ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एनएस नाउ। आशुतोष सिन्हा जी, प्राथमिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक व उच्च शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा में बच्चों की संख्या लगातार घटती जा रही है। सरकार के गलत नीतियों के कारण शिक्षा पूंजीपतियों के हवाले कर दी गई तथा निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिनियम का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। राजकीय विद्यालय को जो RMSA के पैसे से खोले जा रहे हैं उसमें RMSA की गाइडलाइन का भी उल्लंघन किया जा रहा है। उन विद्यालयों में एक दो शिक्षकों से कम काम चलाया जा रहा है तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कोई नियुक्ति न करने होने के कारण साफ सफाई नहीं हो पा रही है। प्रदेश के अधिकांश एडिड विद्यालयों की बिल्डिंग भी जर्जर हो चुकी है, जिस पर गलत शासनादेश जारी होने के कारण शासनादेश का अनुपालन होना ही संभव नहीं है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति न होने के कारण विद्यालयों में साफ सफाई नहीं हो पा रही है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकांश भाग शिक्षा मित्रों पर आधारित है, जिनकी हालत बहुत खराब है। मदरसों के विद्यालयों में आधुनिक शिक्षकों के वेतन का 60% केंद्रांश 6 वर्षों से रुका हुआ है। शिक्षक भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। माध्यमिक शिक्षा में 80% भागीदारी देने वाले माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की हालत मनरेगा के मजदूर से भी बदतर हो गई है, जिसकी सेवा नियमावली नहीं बन पाई और न तो सरकार द्वारा कोई मानदेय की व्यवस्था की गई है। बोर्ड परीक्षा में 20 अंक ग्रेस मार्क देकर बच्चों को साक्षर बनाया जा रहा है, न कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा रहा है तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की आए दिन घटनाओं में वृद्धि होती चली जा रही है। बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय और कोचिंग अवैध ढंग से संचालित हो रहे हैं। सरकार की गलत नीतियों के कारण सभी बोर्ड को भंग कर शिक्षा आयोग बनाया जा रहा है। विद्यालयों में प्रवेश शासनादेश के विरुद्ध मनमाने ढंग से लिए जा रहे हैं।